तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है।
दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसैव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका ऐसा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा
वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त। मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को। लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करें। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा
इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे एस के मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को। लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूंजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूंजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क।
इस फिल्म को लेकर खुद पूंजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक की सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूंजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूंजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी। लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूंजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइट की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पंजाब
भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूंजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूंजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूंजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था उसको लेकर पूंजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी। लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूंजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त। मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को। लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूंजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था। लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी जो कि
इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूंजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूंजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूंजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूंजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूंजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसैव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्ताब खान,
जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी अब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्थु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमाटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है।
और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी। और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदशिव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करें। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को
प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदशिव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज कर मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसैव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करें। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदशिव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे
उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उनका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा
न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा
उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइट की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उनका ऐसा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूंजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को
खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी। लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइट की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुथु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था।
और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा, मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका ऐसा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप
इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी। जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूंजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूंजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूंजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूंजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूंजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें
इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है, कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो
इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदशिव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी अब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज को मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है।
इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमाटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करें। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो
आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नली मा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइट की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा।
दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज को मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को। लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदशिव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था, तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला
लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त। मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे एस के मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था, जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा
इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइट की जितनी ज़रूरी है, यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, संजय दत्त के साथ पूंजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पूंजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है, उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करें। पूंजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क,
इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक की सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था। उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्थु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पंजाब
भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूंजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूंजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूंजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक की सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूंजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था। उसको लेकर पूंजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूंजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइट की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूंजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदशिव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूंजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका ऐसा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी जो कि
इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वहीं फिल्म में एक की सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था। उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तु ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान
जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका सा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी अब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंजाब भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमेटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है।
और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी। और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसैव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका ऐसा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी अब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करे। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे। तो वही ये फिल्म थी 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा, वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया, मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज को मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर। तो आज हम बात करने वाले हैं सड़क मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, साथ में इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था।
बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो नदीम श्रवण ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है और ए मुत्तू ने इस मूवी की एडिटिंग की है। साथ में इस मूवी को प्रवीण भट्ट के द्वारा सिनेमाटोग्राफर की गई है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 51% गूगल यूजर्स ने भी लाइक रेट दिया हुआ है। और दोस्तों इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी को लिखा है रॉबिन भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी भट्ट फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इस सड़क मूवी में संजय दत्त का किरदार काफ़ी अच्छा है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक ताइजोरी, सदसेव अमरेश पोरकर, नलिमा अजीम, अवतार गिल, पंकज धीर और मुक्तब खान, जावेद खान आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने इस मूवी में शायद उसका अच्छा किरदार निभाया था, लेकिन ये मूवी आप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। करीब इस मूवी को 70 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ की कमाई की थी, जो कि इस मूवी को कितने में बनाया होगा और क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी। कमाई के मामले में ये मूवी थोड़ी कम थी, लेकिन इस मूवी में संजय दत्त का रोल शानदार था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और लोगों ने इस मूवी में संजय दत्त के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। अब बात करें इस मूवी के कुछ अन्य फैक्ट के बारे में तो दोस्तों पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। महेश भट्ट जितने बोल्ड फिल्म मेकर है उतने ही बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल पिता भी है। अपने बेटा बेटी पूजा भट्ट को जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बतौर हीरोइन पेश किया था, उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को खुद बताया था कि ऑन स्क्रीन अपने हीरो को वह कैसे किस करें। पूजा भट्ट के अपोजिट उस वक्त संजय दत्त थे, तो वही ये फिल्म थी साल 1991 में आई सड़क। इस फिल्म को लेकर खुद पूजा भट्ट बताती है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता से काफ़ी कुछ सीखा है। महेश भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म में एक किस सीन फिल्माया जाना था जिसमें पूजा को संजय दत्त की तरफ बढ़ते हुए किस करना था, उसको लेकर पूजा उस समय थोड़ा असहज पर एक्साइटेड महसूस कर रही थी, लेकिन पिता महेश भट्ट ने पूजा को सहज महसूस कराने के लिए एक खास तरह का पाठ पढ़ाया। बॉलीवुड हंगामा इस मूवी को मुताबिक संजय दत्त उस वक्त उनके फेवरेट हीरो हुआ करते थे। फिल्म रॉकी से शायद संजय दत्त को जब उन्हें किस करना था तो महेश भट्ट को डर था कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ न हो जाए, जिससे सीन वैसा न दिखे जैसा वह दिखाना चाहते हैं, ऐसे में स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बताती है कि एक इनोसेंट के लिए एडवाइस की जितनी ज़रूरी है यह उनके पिता ने उस वक्त उन्हें सिखाया था। पूजा ने कहा वह पहला लेसन था जो मैंने फिल्म सड़क के सेट पर सीखा था। पापा ने बताया था कि संजय दत्त को किस करना है कैसे है। मैं सिर्फ 18 साल की थी उस वक्त, मुझे उस शख्स को किस करना था जिसका पोस्टर मेरे और रूम की दीवारों पर टंगा हुआ था। एक्ट्रेस ने आगे बताया मुझे याद है मेरे पिता ने मेरी साइड लेते हुए उस वक्त माहौल बनाया और मुझे बताया कि वह सदा मेरे साथ है। दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे एस के मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।